हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज की वीडियो जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं है, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि किसी रीज़न से या तो कोचिंग नहीं ले पाए या फिर उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाया और वो परेशान होते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सभी बच्चों को एक तरीके से रैंडमली इंटीमेट किया जाए कि आपसे रिलेटेड सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कराए जाते हैं, जो भी SOL DU के अंदर है या फिर रेगुलर और NCB। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अनुज कुमार सिंह है और मैं पिछले 12 सालों से मैं BCOM की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं और BCOM के अंदर मेजर सब्जेक्ट्स जो मेरे अंडर हैं वो और प्लस हमारे पास जो टीम है वो मिलके सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती है। अगर मेरा एक्सपर्टीज बताऊं तो काफी सारे जो आपके एग्जाम के सॉल्यूशन होते हैं पास्ट ईयर के, दैट इज कॉल्ड 10 ईयर, जैसे आप सभी ने कभी ना कभी ये 10 ईयर देखा होगा। BCOM ऑनर्स वाले बच्चों ने तो निश्चित ही देखा होगा, सेमेस्टर 2 के अंदर आपने कॉर्पोरेट अकाउंट में कहीं ना कहीं मेरा नाम या फिर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा क्लासेस से रिलेटेड। तो जो BCOM सेमेस्टर मैंने अभी तक, थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि बच्चों को थोड़ा सा, बस मैं इसलिए बताना चाहता हूं एक क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ इस चैनल पे हमें वर्थ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मैं अभी तक मैं बताऊं तो सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपकी बात करते हैं, सर सेमेस्टर 2 के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैं अगर थोड़ा देखिए सर, अगर मैं अभी तक बात करूं तो मैंने कितने 10 ईयर, एक हो गया हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसके ऊपर पूरा 10 ईयर लिखा और अपकमिंग ईयर में भी आएगा, सेमेस्टर 4 के लिए भी काम किया हुआ है, इनकम टैक्स प्रैक्टिस एंड लॉ जो कि अभी सेमेस्टर 5 में आएगा और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के सेमेस्टर 3 में है, और फिर अगेन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 4 के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अभी आप स्टिल पढ़ रहे हो हम उसकी बात कर रहे हैं, और जो नई लेटेस्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसकी भी बुक आ चुकी है जिसके अंदर काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाने, एग्जाम को वो सारी चीजें मैंने प्रिपेयर की हैं, और कहीं ना कहीं रेगुलर कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट जो 10 ईयर पढ़ रहे होंगे कभी ना कभी मुझे पहचाना होगा, नहीं भी पहचाना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ ये वीडियो सिर्फ इंटीमेट के हैं कि हम इस चैनल पे आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे, अगर मैं बताऊं तो सर आपकी डेट शीट जो है आ चुकी है, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से जल्दी इंटीमेट किया जाए। डेट शीट में मैं ये पूरा का पूरा PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ बच्चों को तो अभी डेट शीट भी नहीं पता, तो सेमेस्टर 3 के अंदर NCWEB के रेगुलर के सारे डेट शीट अवेलेबल है, 13 दिसंबर से चालू है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मेन पेपर माना जाता है वो 26 दिसंबर को है, इसके बाद BCOM सेमेस्टर 3 रेगुलर का ये भी पूरा चालू है, इसके बाद देखो सेमेस्टर 3 आपका SOL का थोड़ा अलग से है, इनका 14 जनवरी को गया हुआ है। तो मैं बताऊं कि इस चैनल पे आपको क्यों जुड़ना चाहिए और इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो हम सर बात कर रहे हैं यहाँ पे BCOM प्रोग्राम की भी बात कर रहे हैं और सर ऑनर्स की बात कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, मैं उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज आप जरूर इस को रिकमेंडेशन करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में जरूर सर्कुलेट करें। बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं और जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे ना उनमें मैंने देखा है कई बार कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, हमारा चैनल तो काफी छोटा है, उनका हमसे ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइबर है तो, और रीच ज्यादा है। वो डिपेंड करता है देखो सारी चीजें, टेलीग्राम वगैरह सारी चीजें। तो हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, मैं सब्जेक्ट मेंशन कर देता हूं, सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद दूसरा आपको प्रोवाइड किया जाएगा बिजनेस मैथ्स, तीसरा आपको बिजनेस स्टेट्स, फोर्थ आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सेमेस्टर 1 का है,
चौथा आपको इकोनॉमिक्स, पांचवा इनकम टैक्स जिनका बैक है, इसके ऊपर तो मैं बात करने वाला हूं, बहुत बच्चों का रह गया। तो मेजरली हम अभी रीसेंट पांच सब्जेक्ट पे डील कर रहे हैं और एक रह गया हमारा मैनेजमेंट अकाउंट। और जो पीओएम है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, इसकी भी हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको इस पे वीडियो मिल जाएगा। सिंपली अगर आप चैनल पे हैं तो कैसे सर्च करना है, मैं वो सारी चीजें भी आपको बता देता हूं एक बार। YouTube पे आप जाएंगे सिंपली, और YouTube पे होम पेज आपके पास सभी के पास होता है, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो। यहाँ पे डाल देंगे शिक्षा धाम या बीकॉम क्लास डाल दोगे आप, है ना। शिक्षा धाम मैंने डाल दिया तो ये आ गया सबसे टॉप पे। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो आपको वीडियोस के साथ साथ यहाँ पे हर सब्जेक्ट का ना आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। काफी बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर प्लेलिस्ट के बारे में। देखिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और हमने ये प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं, जितने चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। काफी बच्चों का कहना होता है सर आप प्लेलिस्ट बना दीजिए, कमेंट में मैं देखता हूं। तो यहाँ पे सारे चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सेमेस्टर वन का है तो इसमें 10 है। और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा एक हेडिंग है और इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे चैप्टर्स और सारी चीजें आपको बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट टाइप से एक तरीके से एक प्लेस पे आपको मिल जाएगा। तो बस आप इस चैनल को एक बार ओवरव्यू करिए, आपको अगर ये अच्छा लगे कमेंट भी करिए और उन दोस्तों को भी बताइए। सिर्फ मात्र 30 दिन बचे हैं आपके एग्जाम को, तो उससे रिलेटेड शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊं और शायद आपको इससे बेनिफिट मिल पाए। आपको चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं करना सर, मत करिए आप, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपने स्टडी जो कि नियर बाय एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करिए। और अगर मेरी वजह से एक भी बच्चा पास हो जाए, थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाए उसके, तो मैं ये मानता हूं कि एक स्टूडेंट अपने 5 मेंबर को, अपने फैमिली के 5 मेंबर की खुशियों के लिए वो जिम्मेदार होता है। एक स्टूडेंट यानी एक मैन, एक पर्सन, अगर आप अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाओगे, समझोगे, जॉब लगेगा, तो इंडिया का तो यही है, हमारा ट्रेंड ही यही है कि एक मेन पर्सन वर्क करता है और वो कितने लोगों को खुशियां दे सकता है। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो बस मेरा आपके साथ यही कहना था, इसलिए आपको मैसेज गया था। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो आगे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे, मैं शाम को 8 से लेकर रात को 12 बजे तक डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता हूं, तो वो सारी जानकारी देनी थी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे, क्या टॉपिक एग्जाम में आएगा, उन सभी के ऊपर हमेशा वीडियो आपको मिलता जाएगा, यकीन करना। काफी बच्चे बेनिफिट लेते हैं और आपको कमेंट और उससे पता ही चल जाएगा जितने बच्चे देख रहे हैं। जिन बच्चों को पहले से इस चैनल के बारे में पता था, ये जैसे आप अपने परिवार में 5 लोगों का पूरा आप देखभाल करते हो, इसी तरीके से आपकी भी जिम्मेदारी है। कम से कम अपने दोस्त भी आपके परिवार का ही हिस्सा है, उनको इंटीमेट करिए और उसके अकॉर्डिंगली, ताकि वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाए। क्योंकि यहाँ स्कूल वाला सिस्टम नहीं कि मैं फर्स्ट और तू सेकेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो होपफुली आपको, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो मेरा यही एक ऑब्जेक्टिव था कि आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करवाना, और जितने मैक्सिमम जो बच्चों के मेन कहें पेन होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, एटलीस्ट उनको आसान करवाना। दूसरी बात, यहाँ पे सब कुछ आपके बुक से और पूरा जो स्टडी मटेरियल फॉलो होता है उसी के अकॉर्डिंग कराया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।